हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर पोर्टेबल हेल्थ स्टेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिया रेसिमोसा, एक बेहतरीन मेडिसिन है और बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका स्फेयर ऑफ एक्शन जो होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैवल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के लिए, फीमेल सिम्टम्स के लिए और एलर्जिक कंडीशन जिसको है इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये मेडिसिन होता है दोस्तों। तो इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं इसका जो मतलब साइन एंड सिम्टम्स होता है, इसका क्या क्या सिम्टम्स देखने के बाद ये मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं, मेडिसिन एक्टिया रेसिमोसा जो है वो एक वेजिटेबल किंगडम का मेडिसिन है। तो एक बेहतरीन एक मेडिसिन है और एक वेजिटेबल किंगडम का मेडिसिन है। उसके साथ साथ उसका जो कॉमन नेम है दोस्तों, ये होता है अमेरिकन स्पीक कार्ड। तो इसके साथ साथ जो पार्ट्स ऑफ इसका जो यूज़ होता है ना, रूट्स यूज़ होता है उसका। तो एक्टिया रेसिमोसा ये मेडिसिन 30 पोटेंसी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और इसका जो सिम्टम्स होता है, इसका जो सिम्टम्स होता है वो देख लेते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इसका जो मतलब एस्थमेटिक काफ जो होता है, एजमा होता है, उसके साथ साथ जिसका बहुत ही ज़्यादा काशी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काफ एंड कोल्ड जिसका रहता है, और उसके साथ साथ जिसका मतलब काफ बहुत ही ज़्यादा होता है, उसके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन होता है। और जिसका एलर्जी कंडीशन का जो काफ होता है ना, जिसका एलर्जी है, एलर्जी कंडीशन और थोड़ी बहुत मतलब ठंड लगने के बाद ही उसका काफ हो जाता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। उसके साथ साथ उसको 11 PM में मतलब ड्यूरिंग फास्ट स्लीप, जब फास्ट स्लीप होता है उसके टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब सर में दर्द होता है, उसके साथ साथ खांसी भी होता है। तो ये उसका मेन एक सिम्टम्स होता है जो इस मेडिसिन के लिए बहुत ही बेहतरीन एक सिम्टम्स होता है। इसके साथ साथ जो हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीम सेंसिटिव टू ड्राफ्ट, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब ठंड के बारे में जब ठंड लग जाता है बहुत ही मतलब तुरंत ठंड लग जाता है, तो ये एक उसका सिम्टम्स होता है। उसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे कि मतलब कोल्ड एयर वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, और उसका मतलब कोल्ड एयर में बहुत ही ज़्यादा बुखार आ जाता है, और सर्दी काशी जुखाम ये सब बहुत ही मतलब तुरंत उसका आ जाता है, एक उसका सिम्टम्स है। इसके बाद देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है। जिसको एजमा है, जिसको एजमेटिक पेशेंट है, जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में जो पहले आता है वो होता है इफेक्टिव फॉर ड्राई काफ, जिसका ड्राई काफ है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। उसके साथ साथ ड्राई काफ कमिंग ऑन आफ्टर फास्ट स्लीप, मतलब जो फास्ट नींद में जाते हैं ना उस टाइम उसको बहुत ही ज़्यादा काशी होता है, मतलब काफ और ड्राई काफ होता है उसका, और बहुत ही ज़्यादा खांसी उसका उस टाइम होता है। और उसके साथ साथ ड्राई काफ अबाउट मिडिल ऑफ नाइट, और स्पैज्मोडिक काफ, मतलब स्पैज्मोडिक काफ मतलब हर टाइम उसका इतना ज़्यादा काशी होता है कि मतलब अटक जाए। और उसके साथ साथ जो होता है दोस्तों ड्राई काफ, और फील्स एज इट मतलब बॉडी उसका और थ्रोट जैसे अटक जाता है, ऐसे उसका फील आता है। उसके साथ साथ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट, हॉर्सनेस होता है, स्पैज्मोडिक काफ आता है उसका, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ वेरी इफेक्टिव फॉर एस्थमेटिक कंडीशन, जिसका बहुत ही ज़्यादा एस्थमा होता है ना उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, और लाइंग डाउन पोजीशन में जो मतलब नाइट में वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और एस्थमेटिक अटैक एट नाइट और सफोकेशन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनके लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। और एस्थमा और एग्रेवेट्स एट नाइट अराउंड 11 PM, इसका एग्रेवेट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम। और उसके साथ साथ जो देखेंगे कि एलर्जी कंडीशन, और इजीली टेक्स कोल्ड ऑन एयर, मतलब ठंड बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, और जिसका एज ज़्यादा है उसके लिए भी ये बेहतरीन काम करता है मेडिसिन। तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो होता है एलर्जी कंडीशन में फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, मतलब सर्दी आना और सर्दी जुकाम ये सब आ जाता है उसको तुरंत, और स्नीजिंग होता है। उसके साथ साथ विथ कॉफियस वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, ये सब होता है, और हार्ड टाइम मतलब नोज से जो होता है ना सर्दी वो बहुत ही ज़्यादा निकलता है, ये सब सिम्टम्स उसका आ जाता है दोस्तों। ये सब सिम्टम्स के लिए ये मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और एलर्जी कंडीशन में स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज और एक्टिड होता है वो, और उसके साथ साथ ऑल्सो इफेक्टिव फॉर
हे फीवर में बेहतरीन मेडिसिन काम करता है। उसके साथ साथ हे फीवर विथ कॉन्टिन्यूस स्नीजिंग कॉन्टिन्यूस होता है हे फीवर के साथ साथ, उसके साथ साथ डिस्चार्ज फ्रॉम आई एंड नोज, मतलब डिस्चार्ज होता है आई से और नोज से। उसके साथ साथ फीमेल सिम्टम्स हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फीमेल सिम्टम्स होता है, जैसे कि पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा और इफेक्टिवली काम करता है, जिसका पीरियड ठीक ठाक से नहीं होता है, और मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब जो होता है ना मेंस सप्रेस्ड हो जाता है जिसका, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और उसके साथ साथ जो होता है सप्रेस्ड मेंस, एक बहुत ही मतलब अच्छा सिम्टम्स होता है सप्रेस्ड मेंस के लिए, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसके साथ साथ जो होता है ऑल्सो इफेक्टिव फॉर ल्यूकोरिया, जिसका ल्यूकोरिया है मतलब सादा श्राप जो हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए भी काम बहुत ही बेहतरीन करता है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ल्यूकोरिया और फाउल स्मेलिंग और एक्रिड होता है, फाउल स्मेलिंग मतलब एक दुर्गंध जैसे आते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन अच्छा काम करता है। उसके लिए ल्यूकोरिया और विथ प्रेसिंग डाउन पेन, मतलब प्रेसिंग डाउन जैसे कि कुछ प्रेस कर रहे हैं ऐसे कुछ उसका पेन होता है, और मतलब क्रैम्पिंग पेन जैसा होता है, उसका फीलिंग्स आता है, और सोने के बाद उसका कुछ थोड़े बहुत आराम मिलते हैं, लेकिन उसका जो पेन होता है ना बहुत ही ज़्यादा पेन होता है उसका, और सप्रेस्ड ल्यूकोरिया भी होता है, मतलब ल्यूकोरिया भी उसका सप्रेस्ड हो जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ल्यूकोरिया जो होता है, सॉरी लोकिया, द वैजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद एक वैजाइनल डिस्चार्ज होता है, और उसके साथ साथ इट कॉन्टेंट्स ए मिक्स ऑफ ब्लड और म्यूकस एंड यूटेरियन टिश्यू, जैसे ल्यूकोरिया मतलब लोकिया के टाइम उसका ये सब होता है। और एरियल रेसिमोसा एक ऐसे मेडिसिन है जो स्टोमक सिम्टम्स के लिए भी बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं दोस्तों। इसका स्टोमक सिम्टम्स के लिए जो सबसे बड़ा काम होता है, मतलब गैस्ट्रिक सिम्टम्स, इफेक्टिव फॉर डायरिया, डायरिया के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये मेडिसिन को। और उसके साथ साथ जो होता है ऑल्सो इफेक्टिव फॉर प्रोलाप्स ऑफ रेक्टम, मतलब रेक्टम जब प्रोलाप्स हो जाते हैं उसके लिए भी हम लोग ये मेडिसिन काम करते हैं। और एरिलिया रेसिमोसा और एक बेहतरीन मेडिसिन होता है, और इसको काम करना सीखिए, उसको जैसे आप लोग यूज़ करते हैं ऐसे आप लोग यूज़ कीजिए। और ये मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन है जिसका मतलब काम अच्छे तरीके से होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे तो एक बेहतरीन मेडिसिन आपको मतलब तुरंत आपको रिकवरी देगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है ना बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो एग्रेवेशन जो होता है और 11 PM में ज़्यादा उसका एग्रेवेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है उसको। और जो एम्बुलेशन फेज होता है, एम्बुलेशन फेज होता है और से एग्रेवेशन और नाइट में भी होता है और फास्ट स्लीप में भी ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ साथ बुढ़ापा में, मतलब जो ओल्ड एज होता है जिसका, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ एमिलोरेशन जो होता है सिटिंग अप, मतलब बैठने के बाद आपको आराम मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो होता है आप बैठते हैं, बैठने के टाइम उस आपको थोड़े बहुत आराम मिलते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है, लेकिन थोड़े बहुत आराम आपको मिल जाता है। और एरियल और रेसिमोसा ये मेडिसिन आप लीजिए, और इसके साथ साथ जो भी मेडिसिन लीजिए पहले डॉक्टर के दिखाइए, उसके बाद और हमारे से भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आप हमारे से कंसल्टेशन लेके ही आप काम कीजिए। तो ये सब मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कीजिए उसके बाद ही ये मेडिसिन लीजिए, और आप हमारे से भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जिसका नंबर ये स्क्रीन में दिया हुआ है। तो आप इसके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, और कॉन्टैक्ट करने के बाद हमारे डॉक्टर के साथ आप मिल लीजिए, और मेरे से भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मेडिसिन है, और कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या तकलीफ है, वो तकलीफ़ हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये तकलीफ़ दूर हो जाए। तो थैंक यू, बाय बाय।